हाँ खान साहब, अच्छा मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ ना इस वीडियो में, आपको ये बता रहा हूँ आपने काम कैसे करना है। देखो, जैसे आप यहाँ ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे कोई भी बारकोड आता है, इसको जो भी आ रहा है आने दो, उसका हमें मसला नहीं है, ठीक है। आप इधर कोई अपनी प्रोडक्ट का नाम रखते हो, टेस्ट प्रोडक्ट है या जो भी प्रोडक्ट का नाम रखते हो ना, जो भी आप रखते हो, आप उसको कहते हो जिसमें भी डालते हो, जो भी आपकी जो प्राइजेज है, आपने कहा कि ठीक है मेरी 500 प्राइज है, जो भी आपकी प्राइज है, ठीक है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है और जिसकी वेरिएशंस नहीं है, तो ठीक है आपने ये बारकोड डाल दिया, लेकिन आप कह रहे हो कि आपकी सारी प्रोडक्ट वेरिएशंस के साथ है। इसमें क्या करना है आपने कि जब वेरिएशंस को जब आप क्लिक करोगे, तो नॉर्मली क्या होगा कि आपने आपको यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी, ठीक है, आप अपने हिसाब से। अब आप क्या कहते हो, रेड के साथ मेरे पास ये तीन तीन है, ठीक है, आपने जनरेट कर दिया। आपने कहा ग्रीन के साथ आपने ये कर दिया, आपने जनरेट कर दिया। अब आप ये देखो, जैसे जैसे हम नीचे जनरेट करते जा रहे हैं, उसका बार कोड भी आ रहा है, ठीक है। ये बार कोड रिप्रेजेंट करता है बेसिकली रेड और एल्कोहल सूट को। तो आपको क्या करना होगा, आप यहीं से इसकी आप वो बनाओगे कि ये इसकी प्राइस क्या है। आपने कहा कि ठीक है ये 50 है, उसके अंदर दूसरी कोई और प्राइस है, जो भी है ना, सारी प्राइस आप लगा दोगे। अब होगा क्या कि ये बारकोड जो आएगा, जो मैं आपको इसको ओपन करके दूंगा, जो आप वहां से बना रहे हो, वो बारकोड यहाँ पे एक फील्ड होगी, जब इसको आप एडिट करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि बारकोड आप इसको एडिट करने के लिए, ठीक है, आप यहाँ से अपना बारकोड डाल दोगे। अब होगा क्या, जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये बारकोड डाल दिया होगा, तो इससे क्या होगा, जब हम POS के ऊपर सेल करेंगे और हम ये वाली चीज को स्कैन करेंगे, तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं पूछेगा वो, और ऑटोमेटिकली वो यहाँ से माइनस करेगा, और आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं करेगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ये कर रहे होंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं, जैसे ये किया जैसे करेंगे, वो क्या करेगा, ये वाला फिल्टर आपको नहीं देगा और सीधा आपको बार कोड पर लेके चला जाएगा, जिससे मतलब आइटम डायरेक्ट ले लेगा, आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो डायरेक्ट जाएगा।